श्री विष्णु पुराण 17वां अध्याय हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रह्लाद चरित। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदारचित परम बुद्धिमान महात्मा प्रह्लाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दीति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भयुक्त अर्थात सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य वायु अग्नि वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भोगों को भोगता था। हे मुनि सतम, उनके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभिष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मध्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उन दैत्यराज के सामने कोई सिद्ध गण तो बाजे बजाकर उनका यशोगान करते और कोई तो अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज वहां स्फटिक एवं अभ्र शिला के बने हुए मनोहर महल में जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था प्रसन्नता के साथ मध्यपान करता रहता था। उनका प्रह्लाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया तो उस समय मध्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रह्लाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा। हिरण्यकशिपु बोले, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रह्लाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के तथा जगत के स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रह्लाद जी के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोले, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोले, पुत्र प्रह्लाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश नहीं दिया है। प्रह्लाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस भगवान विष्णु का तू मुझे जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है वह कौन है? प्रह्लाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य जिनका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहाँ जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रह्लाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरे ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला,
अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अवशिष्ट चित होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे भगवान विष्णु तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की रात और दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा, पुत्र, आज कोई गाथा अर्थात कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हों। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। श्री पराशर जी ने कहा, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना ना हुई, वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे, जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषादमय संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सूझ नहीं रही। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो, हमारी दाढ़े टूट गई, मणियां चटकने लगी, फनों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इनकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी, इसीलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि चलाओ और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जैसे इस पापी को जला डाला जाए।
श्री पराशर जी कहते हैं, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित किया हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जला पाएगा। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा षडामार्क आदि पुरोहित गण साम नीति से दैत्य गण की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसीलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह शिव विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार ना टलने वाली कृतया उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद जी को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालको, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म बाल्य अवस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है, यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खता वश शुद्धा तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वातादि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहां तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहां कांति शोभा सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस रुधिर पीव विष्ठा मूत्र स्नायु मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि जल और भात शीत त्वचा और शुद्धा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर होते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्यों के जहाँ तहाँ परदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मनःस्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है,
मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भावास में लेश मात्र भी सुख का अनुभव होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसीलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र भगवान विष्णु ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसीलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त होती ही नहीं, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं, वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर होता नहीं, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा ना करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का प्रयत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री भगवान विष्णु का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या लगता है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहिर्नश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस प्रकार तुम्हारे समस्त कलेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार ताप त्रय से दग्ध हो रहा है तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है और मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करें तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त हैं, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही हैं। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे हैं, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विच क्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसीलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो परम शांति अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु मेघ वरुण सिद्ध राक्षस यक्ष दैत्यराज सर्प किन्नर मनुष्य पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर नेत्र रोग अतिसार पीहा तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष ईर्ष्या मत्सर राग लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी शील नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म अर्थ और काम की इच्छा कभी ना करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उसे ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे।
इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।